रमजान में गरीब बहू का ब्यूटी पार्लर। उफ, आज तो चूल्हे से इतना धुआं हो रहा है। लीजिए भाभी जान, पानी पी लीजिए। शुक्रिया नगमा। आप हटिए भाभी जान, रोटी हम बना देते हैं। अरे नहीं नगमा, मैं बना लूंगी, तुम हाथ जला लोगी, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी हूर सी ननद के चांद से रूप पर कोई दाग आए। मगर मरियम बहू, एक ना एक दिन तो नगमा को इस घर से रुखसत होना है। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। सलमान बेटा, जरा ठहरो, वो तुम्हारी फूफी का फोन आया था, उन्होंने नगमा के लिए रिश्ता बताया है। लड़का एक बड़े होटल में खानसामे का काम करता है, कहो तो बात चलाएं। सलमान के कुछ कहने से पहले बहू मरियम अपनी सास जमीला से बोली, अम्मी जान, नगमा का रिश्ता हम अच्छे घर में कराएंगे। मगर बहू, अल्लाह ने हमें इतनी हैसियत भी तो नहीं दी है कि अच्छे घर में रिश्ता करें। गरीब की शादी गरीब घर में ही होती है। जमीला की इस बेबसी भरी बात से सभी के चेहरों पर चुप्पी छा जाती है। खुदा के लिए ऐसा ना कहें अम्मी, अपनी बहू को थोड़ी सी मोहलत दे। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हम अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोल लेंगे। अल्लाह की नेमत रही तो साल के अंदर ही नगमा की बड़ी धूमधाम से शादी होगी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर के काम में बहुत कमाई है। तभी जैसे गरीब बहू मरियम ने घड़ी देखी तो चिंता में आ जाती है। या खुदा, आज तो बड़ी देर हो गई, मोनिका मेम साहब बहुत सुनाएंगी। अच्छा अम्मी, अच्छा नगमा, चलते हैं, खुदा हाफिज। बहू खैरियत से जाना आना, ज्यादा जल्दबाजी मत करना, क्योंकि तुझे 6 महीने लगे हैं। ये कहानी गरीब मुस्लिम बहू मरियम की है, जो गरीब परिवार की बेटी थी और बहुत ही गरीब घराने में ससुराल में ब्याही भी गई, इसीलिए उसे बहुत गरीबी झेलनी पड़ी। एक लंबे वक्त से सलमान के पास कोई काम नहीं, इसलिए मजबूर होकर प्रेग्नेंट होने के बाद भी ससुराल वालों को कमा कर खिलाने की जिम्मेदारी बहू खुद ही उठा रही थी। कहते हैं ना, ऊपर वाला अगर एक इंसान को गरीब बनाकर भेजता है तो उसके हाथों में एक ना एक हुनर भी देता है। मरियम बहुत ही अच्छा मेकअप करती है। मरियम के देर से आने पर पार्लर की मालकिन मोनिका उस पर गुस्सा करती है। मरियम, ये ईंट की भट्टी नहीं है जो तुम इतनी देर से आओगी, ये ब्यूटी पार्लर है, यहाँ लेट नहीं चलेगा। जी मालकिन, आगे से नहीं होगा। चलो जाकर कस्टमर का मेकअप करो। मोनिका मरियम को जरा सी देर के लिए भी बहुत बातें सुनाती है। ऐसा हर बार ही था। अब गुजरते समय के साथ रमजान का महीना शुरू होने वाला था। मालकिन, कल से रमजान शुरू हो रहे हैं, तो क्या करूं? हाँ, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। देखो मरियम, अभी तो पैसे नहीं हैं, और तुम गरीब रमजान में अच्छा खाकर क्या करोगे, अभी तू जा। मरियम खाली हाथ घर चली जाती है। अगले दिन पूरे परिवार ने रूखे सूखे से ही रमजान की सहरी कर ली। या खुदा, ये कैसा गम भरा रमजान है, जो रूखा सूखा हम रोज ही खाते हैं, रमजान में भी वही खा रहे हैं। सारा कसूर मेरा है अम्मी, अगर मेरे पास काम धंधा होता तो मेरे परिवार का रमजान भी अच्छा गुजरता। गरीबी के चलते सलमान फूट फूट कर रोने लगता है। सलमान भाई, आप रोइए मत, वरना मैं भी रो दूंगी। अल्लाह ने जो दिया है, जितना दिया है बहुत है। सहरी करके मरियम घर के काम करती है, नमाज पढ़ती है, जिससे उसे पार्लर में पहुंचने में देरी हो जाती है। किसी तरह वह डरते डरते ब्यूटी पार्लर पहुंचती है। या अल्लाह, आज फिर देरी हो गई। आओ आओ मरियम मैडम जी, आपका ही इंतजार था। क्यों री, तूने क्या मेरे ब्यूटी पार्लर को अपना बाप दादा की जागीर समझा है? एक तो तू प्रेग्नेंट है, इसलिए दया करके मैंने तुझे अपने ब्यूटी पार्लर में काम दिया, मगर तू तो अच्छा फायदा उठा रही है। मालकिन, वो रमजान चल रहा है ना, इसलिए देर हो गई। ठीक है, तो अब तू जाकर अपना रमजान ही मनाती रहे, ये पकड़ तेरा हिसाब। वैसे तो मैंने तुझे 5,000 रुपए के महीने पर रखा था, मगर तू देर से आई थी ज्यादातर, इसलिए ये 2,000 रुपए पकड़ और दफा हो। पार्लर की मालकिन घमंड से उस गरीब बहू को काम से निकाल देती है। मरियम आंखों में आंसू लिए घर चली आती है। मरियम बहू, तुम इतनी जल्दी लौट आई? जी अम्मी जान, वो आज पार्लर में काम ज्यादा नहीं था, तो इसीलिए बस। बहू, मैं तेरी सास हूं, तेरे मन का गम देख पड़ सकती हूं। क्या हुआ? मरियम रो रो कर सब बताती है। पता नहीं अल्लाह हमें कैसे हालात दिखा रहा है, इस रमजान के महीने में अब क्या खाएंगे और रोजे कैसे खोलेंगे। अम्मी जान, फिलहाल के लिए 2,000 रुपए है ना, आज हम अच्छे से इफ्तारी करेंगे। बहू ठहर जा, ये ले ये मेरे कुछ गहने हैं, इसे बेचकर और इन पैसों को मिलाकर तू इसी घर में अपना ब्यूटी पार्लर शुरू कर,
इंशाअल्लाह खुदा ने तेरे हाथों में मेकअप करने का इल्म दिया है, उसे ज़ाया मत जाने दे। रमज़ान के इस पाक महीने में अल्लाह का नाम लेकर अपना ब्यूटी पार्लर शुरू कर। शुक्रिया अम्मी हम पर एतबार करने के लिए। मरियम ब्यूटी पार्लर के लिए मेकअप खरीद कर लाती है। अम्मी सारे पैसे मेकअप खरीदने में ही खर्च हो गए, अभी तो कुर्सी भी लानी थी, वरना कस्टमर का मेकअप किस पर करूंगी। तभी सलमान कहता है, मरियम तुम फिकर मत करो, कुर्सी मैं बना दूंगा। मैं और अम्मी आपके पार्लर में लगाने के लिए पर्दे सी देंगे भाभी, मगर पहले आप थोड़ा शरबत पी लीजिए, हमारे आने वाले मुन्ने को भूख लगी होगी। नहीं नगमा, मैं इफ्तारी में ही खाऊंगी। मरियम के गरीब ससुराल वाले भी हर कदम पर उसका साथ देते हैं और रमजान में भूखे प्यासे रहकर मदद करते हैं। लो मरियम, मैंने जुगाड़ लगाकर 4 कुर्सी बना दी। माशाल्लाह सलमान, आपने कितनी खूबसूरत घास की कुर्सी बनाई है। तभी अजान की आवाज सुनकर सब इबादत करते हैं। या अल्लाह, हर गरीब की रमजान मुबारक करना, कोई भूखा ना रहे, आमीन। इसके बाद सभी चंद रोटियों से ही इफ्तार करते हैं। ऐसे करके रमजान के दिन गुजरते जाते हैं, मगर कोई भी उस गरीब बहू के ब्यूटी पार्लर में नहीं आता। या अल्लाह, एक हफ्ता हो गया मगर अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया, अब तो घर में एक दाना भी नहीं रह गया है। ऐसे गमों और गरीबी में रमजान आया है, अपनी नजरे करम करो अल्लाह मियाँ। इतने में एक लड़की आती है। जरा सुनो, मुझे मैनीक्योर पेडिक्योर कराना है और मेकअप भी। जी ज़रूर, आप आइए ना। गरीब गर्भवती मरियम पूरी जी जान से उस लड़की का मैनिक्योर पेडिक्योर के साथ प्यारा सा मेकअप करती है। गरीब बहू के इस काम से कस्टमर बहुत खुश होती है। जी आपका मेकअप डन है। अरे वाह, कितना प्यारा मेकअप किया है तुमने। जब मैं यहाँ आई थी तो पहले मुझे लगा था कि पता नहीं तुम कैसा मेकअप करोगी, बट आई एम इम्प्रेस। ये लो पैसे। शुक्रिया आपा। वह लड़की खुश होकर मेकअप के बदले अच्छे खासे पैसे मरियम को देती है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, आज मैं इफ्तार में बहुत कुछ बनाऊंगी। सलमान जी के लिए कोरमा, नगमा के लिए कीमा और अम्मी के लिए मीठे चावल बनाऊंगी। अपने ब्यूटी पार्लर की पहली कमाई से मरियम सब कुछ बनाती है, जिससे उस दिन की इफ्तार में सभी के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। तभी ननद नगमा उतावली दिखाते हुए बोली, अरे वाह भाभी जान, आज की इफ्तार तो अमीरों के जैसी शाही इफ्तार लग रही है, इतना लजीज खाना हमारे मुँह में पानी आ रहा है। हाँ हाँ, खा लेंगे मेरी कोहिनूर, मगर पहले दुआ मांग कर फिर बिस्मिल्ला करेंगे। सभी साथ मिलकर दुआ मांगते हैं और फिर इफ्तार की दावत खाते हैं। तभी खुशियाँ देख कर सास जमीला की आंखें भर आईं। आज एक अरसे बाद अल्लाह की रहमत हमारे घर पर हुई है, ये बहू की मेहनत मुशक्कत से ही हम ऐसी शाही रमज़ान की दावत खा रहे हैं। रमज़ान के गुजरते दिनों के साथ उस गरीब बहू के ब्यूटी पार्लर में आने वाले कस्टमरों की भीड़ होती चली जाती है और गर्भावस्था में भी वह पूरी शिद्दत के साथ पार्लर भी चलाती है और 5 पहर की नमाज पढ़ती है और दुआ भी करती है। कैसी है मरियम जी? ये मेरी सहेली है सुमैया। जी कहिए, आपको क्या कराना है? अरे आपने जो मेरी सहेली का मेकअप किया था ना, वो बहुत ही सुंदर था, इसलिए मैं अपने निकाह का मेकअप और प्री वेडिंग का मेकअप भी आपसे ही कराना चाहती हूँ, तो दोनों का लेकर मैं आपको 50,000 दे दूँ। क्या क्या कहा आपने, 50,000? मेकअप के बदले इतने पैसे सुनकर उस गरीब बहू के चेहरे पर खुशी आ जाती है और उसे अपने ससुराल की गरीबी मिटाने का रास्ता मिल जाता है। जी मैं आपका मेकअप करूँगी और एकदम अच्छे से करूँगी। या अल्लाह, सच में जो भी तुझ पर ईमान रखता है तू अपने उस बंदे को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। मरियम पूरी शिद्दत से उस कस्टमर का प्री वेडिंग मेकअप और ब्राइडल मेकअप करके एक ही बार में अपने बेहतर मेकअप करने के हुनर से 50,000 रुपये कमा लेती है, जिसे वह रमज़ान के महीने में गरीबों को अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़े खाना भी बंटवाती है और जाते हुए रमज़ान के पहले वह अपना बड़ा सा पार्लर भी खोल लेती है। साथ ही सब मिलजुल कर मुबारक भरी ईद भी मनाते हैं।